झारखंड में सिक्कों की भरमार हो गई है। दुकानदार सिक्का लेने से इनकार कर रहे हैं। रिजर्व बैंक, सरकार और प्रशासन द्वारा बार बार ये कहने के बावजूद कि सिक्का लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता, दुकानदार और मॉल के संचालकों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हजारीबाग जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया और एक शॉपिंग मॉल पर 50,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। हजारीबाग प्रशासन की इस कार्रवाई से सिक्के के बदले टॉफी देने वाले दुकानदारों और व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल हजारीबाग में मेगा मार्ट में ग्राहकों को खुदरा लौटाने के बदले चॉकलेट थमाया जा रहा था। किसी ग्राहक ने इसकी शिकायत सदर SDO से कर दी। सदर SDO आदित्य रंजन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मेगा मार्ट पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। इससे पहले धारा 133 के तहत विशाल मेगा मार्ट को नोटिस दिया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद सदर SDO ने जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। साथ ही उन्होंने व्यवसायियों को चेतावनी दी कि खुदरा देने के बदले यदि ग्राहकों को जबरदस्ती कोई सामान थमाया गया तो उनके प्रतिष्ठान को सील भी किया जा सकता है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।